को शेर भी यहाँ पे आ जाते हैं। कईयों ने देखा है शेरों को यहाँ पे आते हुए शाम को, और यहाँ पे मगरमच्छ भी नॉर्मली दिख जाते हैं इस लेक के अंदर। तो ये एक घाट है और साथ में तीन नदियों का संगम भी यहाँ पे होता है, हिरण, कपिला और सरस्वती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, फटाफट यहाँ से चेकआउट करने का टाइम आ गया है और बैग पैक मैंने सारे कर लिए हैं। तो अभी मैं जूनागढ़ में था, और अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने कवर किया था जूनागढ़ की ट्रॉली को, जो कि अप्रोक्सीमेट 2100 मीटर ऊँची है, और वहाँ पे हिल है गिरनार हिल, वहाँ पे हम गए थे और हमने जूनागढ़ को कवर किया था। और इसके बाद अब यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सोमनाथ। ये था हमारा रूम, और अभी जो हमारे बैग्स हैं वो सारे पैक हो चुके हैं। और आप सबको पता है कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं गुजरात को कवर कर रहा हूँ अपनी बाइक पे। अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो बैग्स को करते हैं माउंट और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमको फटाफट अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुँचना है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, होटल ग्रीन लैंड, थोड़ा सा हाईवे पे है, अप्रोक्सीमेट 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है ये जूनागढ़ से, बट काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, 3 स्टार होटल है, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, और रेकमेंड करूँगा मैं आपको। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिल जाता है रूम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते हैं यहाँ से फटाफट सोमनाथ की तरफ। सो गाइस, निकलते निकलते बज चुके हैं 11। तो इसी साइड जूनागढ़ सिटी पड़ती है, और ये जो होटल था ये थोड़ा सा आउटर में था, और जो टोटल हमारी बाइक है वो 2320 किलोमीटर चल चुकी है अभी इस ट्रिप पे गुजरात की। और ये जो दोनों हिल्स हैं, इसके पीछे जो हिल दिख रही है वो गिरनार हिल है जहाँ पे हम गए थे कल। ये रोड शहर के अंदर ही लेके जा रही है हमको। सो अभी मैं आया हूँ विलिंगडन डैम, जो कि जूनागढ़ सिटी है उससे अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर दूर है। तो चैतन्य अभी ऊपर गया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू है और सामान है हमारे पास काफ़ी, तो वो देखने गया सारी लोकेशन। मैंने कहा आराम से तू घूमा 10-15 मिनट, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और सामान का ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा लगेज ऊपर तो लेके जा नहीं सकते। यहाँ पर एक वॉल है, वो वॉल यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर गया और इस सरफेस पर अप्रोक्सीमेट पहुँचा है, तो इतना सारा सामान अनमाउंट करके ऊपर भी नहीं लेके जा सकते और बाइक भी नहीं जा सकती ऊपर, तो एक जने को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो गोप्रो भी काफ़ी हीट कर गया, तो 80 से 90% बैटरी थी और बैटरी बिल्कुल ही सारी ख़त्म हो गई, और हीट भी काफ़ी कर रहा है। ये प्रॉब्लम अगर दूसरी बैटरी में भी होती है तो आई थिंक कैमरा दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो सो देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए दिक्कत कोई। अब आ गई मेरी बारी, तो चलते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा, ये स्टेयर्स हैं को चढ़ के ऊपर तक जाने हैं। गर्मी बहुत है, राइडिंग जैकेट उतार के आनी चाहिए थी मेरे को, नीचे भूल गया।
ठीक है, अच्छा है। डैम वन टाइम आ सकते हो यहाँ पे। और धूप बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है यहाँ पे, और कुछ शेडो भी नहीं है यहाँ। यहाँ पे सुना है कि रात को शेर भी यहाँ पे आ जाते हैं, कईयों ने देखा है शेरों को यहाँ पे आते हुए शाम को। और यहाँ पे मगरमच्छ भी नॉर्मली दिख जाते हैं इस लेक के अंदर, इस डैम के अंदर, इस लेक के अंदर, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो अच्छा बना हुआ है वैसे, क्लोज टू नेचर है। यहाँ पे आके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, नॉट बैड, मैं तो इसे अच्छा ही बोलूँगा। सो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं सोमनाथ की तरफ वापस से। पर अच्छा है, आप शाम के टाइम आ सकते हो, हमें आना चाहिए था कल पर हम नहीं आ पाए। निकलते हैं हम यहाँ से, चलें फिर यहाँ से सोमनाथ जी के दर्शन करने, जो कि पड़ेगा 100 किलोमीटर जूनागढ़ से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड निकलते हैं। यहाँ पे गुजरात में गन्ने के जूस को उमिया रस बोलते हैं, उमिया रस। सोमनाथ 27 किलोमीटर, जय भोले की, आ रहे हैं हम। जो जूनागढ़ से सोमनाथ की रोड है बहुत अच्छी थी, राजस्थान में जैसी रोड्स हैं वैसी ही थी, वैसी ही चल रही है, 4 लेन, मस्ती से सफर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वो रहा हमारा होटल तुलसी। तो सोमनाथ में पहुंच गया था, और होटल जो मैंने रूम बुक करवाया उसका नाम है तुलसी, जो कि सोमनाथ टेम्पल के पास में ही है। और ये रहा रूम, मीडियम सा रूम है और बढ़िया रूम है, मस्त। अब फटाफट निकलते हैं लंच के लिए, क्योंकि 3:30 हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है सुबह से ढंग से। तो यहाँ से जा रहे हैं लंच करने। इसका माउंट थोड़ा सा है, वो भी क्रैक हो गया है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकालूंगा मैं। मेरी ट्रिप में कोई दिक्कत मुझे नहीं चाहिए। तो हम जा रहे हैं सुख सागर, सागर के पास तो हम हैं, और लंच करके हमें सुख मिल जाएगा बहुत। देखते हैं कितना सुखी करता है हमको सुख सागर, है तो बढ़िया। लंच हमने कर लिया है, बिरयानी खाई आज तो पेट फुल करके, दो दो बिरयानी, दो दो नहीं मतलब एक एक, टोटल दो। आई थिंक ये है टेंपल, भालका तीर्थ धाम, भाला मतलब एरो। ये वो जगह थी जहाँ पे श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, और श्री कृष्ण जी बैठे थे अपने रिलैक्स मोड की पोजीशन में। एक लेग उनकी दूसरी लेग के ऊपर थी, और जो लेग ऊपर थी उसका जो पाँव था वो एक शिकारी को यूं लगा कि कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, तो उसने वो पक्षी समझकर तीर मार दिया। कोई कहता है कि शिकारी को लगा था कि वो पक्षी है, कोई कहता है कि शिकारी को लगा था कि वो हिरन है। जब वो वहाँ पे पहुँचा उसे पता चला कि ये तो द्वारकाधीश हैं, तो वो माफ़ी मांगने लगा श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि जो भी हुआ है ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। तो ये वो जगह थी, जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छी जगह थी। तो गाइज़ अभी मैं एक प्लेस पे आया हूँ जो कि है त्रिवेणी संगम।
तो ये एक घाट है और साथ में तीन नदियों का संगम भी यहाँ पे होता है, हिरण, कपिला और सरस्वती। तो काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप सोमनाथ बीच के साथ में इसको कंसीडर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड भी आपको कम मिलेगा और शांति भी काफ़ी मिलेगी। और अगर आप बोटिंग करना चाहो तो वहाँ पे बोटिंग भी होती है, वहाँ सब बोटिंग होती है, बोटिंग कर सकते हो। वो एक घाट बना हुआ है बहुत बड़ा और काफ़ी अच्छी और शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो अभी मैं आया हूँ और मैं अभी शांति से बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ और जो वेदर है बहुत अच्छा है और जो क्लोज टू नेचर यहाँ पे फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे ड्रोन शॉट भी लेने की कोशिश करेंगे, तो आप देखो ड्रोन शॉट्स को। सो अभी हम आए थे टी पोस्ट और इसकी चाय काफ़ी अच्छी है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, टाइम हो रहा है 7:15। आज हमने काफ़ी इन्जॉय कर लिया, शहर को घूम लिया और काफ़ी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं, बाइक लेके जा नहीं सकते काफ़ी जगह पे हम। दिस इज़ द क्लॉक चौंक और ये कितना अच्छा तिरंगा झंडा बनाया है भाई। सो गाइज, मैं होटल रूम में रात को आ गया था 10:30 के आसपास डिनर करके, और डिनर हमने वहीं से किया था जहाँ से हमने लंच किया था। रात को मैं शूट नहीं कर पाया, वीडियो को एंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड था और सीधा मैं आया रूम में और सो गया। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपसे अलविदा ले सकूं। सो आज हम सोमनाथ में कुछ लोकल स्पॉट थे वो हमने कवर किए और हम जूनागढ़ से आए थे सोमनाथ। जूनागढ़ में हमने एक डैम को कवर किया था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो मेरी वीडियो में नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं राइड कर रहा हूं पूरे गुजरात को और मेरी प्लेलिस्ट का नाम है स्टेप इनटू गुजरात। सो आप मेरी गुजरात की और वीडियो सारी देख सकते हो, और उससे पहले मैंने कवर किया था पूरे राजस्थान को अपनी बाइक पे सोलो। सो वो प्लेलिस्ट भी आप मेरी जाकर देख सकते हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कर देना जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। सो आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल जाएंगे एक बहुत स्पेशल जगह पे सोमनाथ टेंपल को कवर करके, क्योंकि आज हम कर नहीं पाए थे क्राउड के कारण, कोशिश की थी पर नहीं हो पाया। सो कल हम टेंपल को भी कवर करेंगे और यहाँ से हम बहुत स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं। आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट।